अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट। थिक शीट है, मोटी शीट है, तो मोटी शीट है तो चार्ज है इसके ऊपर। लिखा होगा बुक में, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, द शीट इज कंडक्टिंग शीट। जिनको नहीं समझ में आती है वो कहते हैं यार इसको कैसे पता लगता है कंडक्टिंग, मेरे तो सारी जिंदगी पता नहीं लगता, कैसे पता लगा? अंदर चार्ज ही नहीं है तो नॉन कंडक्टिंग कैसे होगा? नॉन कंडक्टिंग में तो वॉल्यूम होगा, कंडक्टिंग में हमेशा सरफेस पे आ जाएगा, और यहां पर चार्ज आगे पीछे सिर्फ सरफेस पे है, तो ये कंडक्टिंग शीट्स हैं। थिक हो गई, आपको थिक शीट की वजह से निकालना है, तो मान लो यहां पे ई निकालना है। थिक शीट कंसिडर की जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स। थिन शीट का रिजल्ट पता है, टू थिन शीट का रिजल्ट कैसे लगाना है, क्योंकि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप यहां जहां ई निकालना है वहां रखें +1। पहले वाला प्लस शीट इसे रिपेल करेगा, थिन शीट का फॉर्मूला सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। पीछे वाली शीट प्लस भी इसे रिपेल करेगी, फॉर्मूला फिर से इसका भी सेम सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नेट वेक्टर दोनों ऐड कर दो, ऐड करके आंसर ये आएगा। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, थिक शीट का। तो लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, थिक शीट में ये फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस डायग्राम के साथ।